हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी और सिंपल चॉकलेट केक की रेसिपी। और इस केक को बनाने के लिए ना तो आपको गैस जलाने की ज़रूरत है और ना ही व्हिप्ड क्रीम की, और ये फटाफट 10 से 15 मिनट में बन जाती है फ्रेंड्स। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ब्रेड का 5 स्लाइस लिया हुआ है। अब उसके बाद हमें ब्रेड के साइड को सबसे पहले नाइफ से कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से हम सबसे पहले ब्रेड के साइड को अलग कर लेंगे। तो मैं सभी को इसी तरह से अलग कर लेती हूँ साइड को, और यहाँ पे मैंने सभी ब्रेड के साइड्स को हटा दिया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हम सबसे पहले बिस्किट के अंदर जो क्रीम है उसे हमें अलग कर लेना है। तो मैं नाइफ से बिस्किट के क्रीम को अलग कर लेती हूँ। ये हमारा जो क्रीम है वो केक के डेकोरेशन में काम आएगा, और बिस्किट को हमें तोड़कर डाल देना है जार में। उसे हमें पीस के बारीक पाउडर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे सभी बिस्किट के क्रीम को अलग कटोरी में रख लिया। उसके बाद चलिए इसे पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिस्किट को मैंने पीस के बारीक पाउडर बना लिया है, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं है। उसके बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे, इसे साइड में रख देते हैं। ये भी केक के डेकोरेशन में काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी लिया है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसका हम शुगर सिरप बना लेंगे। तो इस तरह से हमें घोल के शुगर सिरप बना लेना है। तो ये चीनी अच्छे से घुल गया है। इसके बाद अब हम एक प्लेट लेंगे, और यहाँ पर मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है फ्रेंड्स डेयरी मिल्क में। आप थोड़ा सा दूध डाल के उसे मेल्ट कर ले। इस तरह से हमें मेल्टेड चॉकलेट लेना है, और उसमें प्लेट में सबसे पहले हम चॉकलेट लगा लेंगे, और इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे ताकि ब्रेड इधर उधर ना हिले। तो इसके बाद हम यहाँ पे जो मैंने शुगर सिरप बनाया था उसे इसके ऊपर डाल देना है, शुगर सिरप को, ताकि केक अंदर से मॉइस्ट रहे। शुगर सिरप डालने से केक मॉइस्ट रहेगा, ड्राई ड्राई सा नहीं लगेगा। उसके बाद इसके ऊपर हमें चॉकलेट को अच्छे से फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। उसके बाद हम ब्रेड का दूसरा स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें लेयर बाय लेयर बनाते जाना है। इसके ऊपर भी हमें शुगर सिरप लगाना है, उसके बाद हम मेल्टेड चॉकलेट इसमें फैला देंगे डाल करके। तो इसी तरह से मैं टोटल 5 लेयर मैंने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद अब हम साइड साइड में भी चॉकलेट लगा लेंगे। तो साइड साइड में भी अब मैं चॉकलेट लगा लेती हूँ, ऊपर में भी शुगर सिरप डाल देते हैं। उसके बाद मेल्टेड चॉकलेट को इस तरह से स्पून के हेल्प से लगा लेंगे सभी तरफ, चारों तरफ। यहाँ पे मैंने मेल्टेड चॉकलेट लगा लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद जो मैंने बिस्किट को मिक्सर में पीस के पाउडर बनाया था उसे हम बिस्किट के पाउडर को इस तरह से साइड साइड में स्पून के हेल्प से डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने अच्छे से डाल दिया सभी तरफ, और मेल्टेड चॉकलेट को भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो मेल्टेड चॉकलेट को इस तरह से ऊपर से डाल देना है। इसके बाद हम अब बिस्किट के क्रीम से फ्लावर बना लेंगे। तो इस तरह से आपको पहले बिस्किट के क्रीम को फोल्ड करना है, उसके बाद एक के बाद अब हम एक लगाते जाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक के बाद एक इस तरह से आपको लगाते जाना है। तो ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। और नीचे में हम थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे ताकि जब हम केक के ऊपर इसे रखें तो आसानी से खड़ा हो जाए। इसके बाद मैं इस तरह से कॉर्नर पर रख देती हूँ। और इसी तरह से मैंने एक और बना लिया फ्लावर बिस्किट के क्रीम से, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। इसके बाद साइड साइड में स्टार्स से बॉर्डर बना लेंगे। आप यहाँ पे साइड में आप जेम्स रख सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा केक बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप भी इसे घर पे बना के ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।